क्या मेरी ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया कभी ठीक हो सकता है? ये सवाल आपके मन में बार बार उठता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस सवाल का जवाब हम मिलकर के ढूंढेंगे। किस सवाल का जवाब? कि आपकी जो मानसिक बीमारी है, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपका फियर, आपके फोबियाज, या आपकी लाइफ की कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल की प्रॉब्लम्स, क्या वो कभी ठीक हो सकती है? क्या आप उससे कभी बाहर आ सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। तो आपने करना क्या है, एक पेपर पेन ले लीजिए और उस पेपर पेन के ऊपर इस सवाल के साथ साथ जो आपके मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये कभी मैं ठीक होऊंगा भी इस समस्या से, इस ओसीडी से, ये बार बार जो हाथ धोना, भगवान के प्रति गलत विचार आना, एचआईवी का डर लगे रहना, बार बार चीज़ों को चेक करना, बार बार अपने टेस्ट करवाते रहना बीमारियों को लेकर के, रैबिज हो जाने का डर, डॉग से डरना, कंटेमिनेशन हो जाने का डर, साफ सफाई करना, लंबे समय तक नहाते रहना, हाथ धोते रहना, ये सब मानसिक बीमारियाँ जो आपके डर हैं, क्या ये कभी ठीक हो सकते हैं? तो आपने सिंपल करना, काम क्या करना है कि एक पेपर पेन ले लेना है और उस पेपर पेन के ऊपर इस सवाल के साथ साथ आपने दो सवाल और लिखने हैं। वो दो सवाल कौन से? कि क्यों नहीं हो सकती, मैं ये क्लियर करूंगा, क्यों नहीं हो सकती ये जो प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो सकती, ये मना आपके अंदर एक सवाल उठता है कि क्यों नहीं हो सकती। पहले आप इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ आपने ये सवाल लिखना है कि कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, कैसे मतलब कि आपकी प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है, कैसे हो सकती है। ये दो सवाल आपने करने हैं। पहली बात, यहां पर इस क्यों को क्लियर करते हैं कि क्यों नहीं हो सकती। देखिए, आपका माइंड जो है, आपका ट्रोमा है, आपकी अभी प्रॉब्लम है, आप उस लेवल का नहीं सोच पा रहे हैं जो आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें, क्योंकि आपका माइंड यहां पर नेगेटिव है। यहां पे पहला पॉइंट निकल के आया कि आपका माइंड नेगेटिव है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी समस्या ठीक नहीं हो सकती। फिर ये कैसे ठीक हो सकती है, वहां पर आपको एक पर्सन चाहिए, हेल्प चाहिए। वो हेल्प कौन करेगा? कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से, ट्रेनर से, साइकेट्रिस्ट से, थेरेपिस्ट से बात करें, क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव एंड राइट माइंड है, इसके पास ये आपको सलाह दे सकता है, कुछ डिफरेंट हटके ये सोच सकता है। तो ये पहला फर्क आ गया। दूसरा फर्क सबसे बड़ा जो ये आएगा, आपने और अपने आप से सवाल करना है कि ये क्यों नहीं हो सकती। जितने भी रीजंस हैं आप सारे लिख डालो कि क्यों नहीं हो सकती। पहला आपने रीजन ढूंढ लिया है कि मैं तो नेगेटिव पर्सन हूं, मैं ही ऐसा सोच रहा हूं, तो इसलिए नहीं हो सकती। आपको एक पर्सन चाहिए। पॉइंट यहां पर, पॉइंट टू, अभी तक आपने अपने आप से यह सवाल ही नहीं किया कि मैं इस लाइफ से निकलना चाहता हूं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यह प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि लास्ट एक दो दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर मुझे ओसीडी, डिप्रेशन है, ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया वगैरह की प्रॉब्लम है, क्या ये मेरा ठीक हो सकता है? तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे रिप्लाई दिया कि यस, ठीक हो सकता है। तो उसने नीचे लिखा कि मैं इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूं और मैं अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहता हूं, अपनी इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता हूं। अभी तक आपने ये बात सोची नहीं है। आप अपने आप को यह सोचिए कि मैं इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता हूं, यह रीजन है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। और जब कैसे ठीक हो सकती है, जब आप अपने आप को यह कहेंगे कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। क्यों ठीक नहीं हो सकती, इसी पॉइंट को यहां पर तीसरे नंबर पे ले आते हैं, क्योंकि अभी तक आपने अपनी प्रॉब्लम के लिए उस लिमिट तक नहीं गए हैं जहां तक आपको जाना चाहिए, वहां तक आप नहीं पहुंचे हैं जहां तक आपको पहुंचना चाहिए, इसलिए आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही है या इसलिए नहीं हो सकती। ये क्यों आ गया?
और ठीक हो सकती है कि आप अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अपनी उस समस्या को दूर करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि मैंने दोस्तों देखा है कि लोग समस्या से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन वो जब उनकी कॉल्स आती तो वो क्या करते हैं कि वो पैसों के बारे में कुछ लोग सोचते रहते हैं। देखो कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम्स होती है कि काउंसलिंग के लिए या इलाज के लिए उनके पास प्रॉपर पैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं अपना पैसा भी दे दूंगा और मेरी क्लास मेरी ओसीडी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, सिंपल सी बात, कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो किसी भी फॉर्मेट में, चाहे जॉब है, बिजनेस है, अपनी किसी माइंड लाइफ की सफरिंग है, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हो, तो आपको अपनी लाइफ के प्रति त्याग करना होगा, नछावर करना होगा, छोड़ देना होगा। आपको रिजल्ट मिले ना मिले, आपकी ओसीडी ठीक हो ना ठीक हो, यहाँ पर आपने दिमाग नहीं लगाना है। आपने अपना दिमाग कहाँ लगाना है कि इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाना जरूरी है और क्या किया जाना चाहिए, कैसे वो होगा, सिर्फ आपने उस पॉइंट को करना है। आपका पैसा जाता है, खोता है, ठीक होंगे नहीं होंगे, यहाँ पर आपको मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपने अपने जीवन की संभावना को देखना है। संभावना मीन्स पॉसिबिलिटीज को देखना है कि उस पॉसिबिलिटीज को आप देखिए कि जिससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। बस अगर आप ध्यान लगाएंगे कि ये ठीक नहीं हो सकती, क्यों नहीं ठीक हो सकती, और उसके रीजंस ये हैं, ये कारण है कि ठीक नहीं हो सकती, तो आप कभी भी उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो कैसे ठीक हो सकती है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा कि यार वो ऐसे ठीक हो सकती है, और आपका माइंड पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करने लगेगा और आपका माइंड आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ की साइकोलॉजिकल लेवल पर जो भी सफरिंग है आपकी, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, उसको दूर करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं और उसके लिए काउंसलिंग एंड थेरेपी से इलाज मेरे साथ करना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करके काउंसलिंग ले सकते हैं और अपनी उस प्रॉब्लम को, ये कैसे ठीक हो सकती है, उसमें आप आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।